हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट जो 16/2/2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम रिव्यू। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम त्रिबीमीय यानी 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल पहली बार किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये पंजाब में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH7। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 5 जून। इस तरह आया था फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है तो ये ऑटोमोबाइल को। भारत के किस राज्य में प्रथम ऊर्ध्वाधर उद्यान स्थापित किया गया? तो ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे सौर मंडल किस आकाश गंगा का एक हिस्सा है? तो ये है आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हैं? तो ये है शूटिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दरार घाटी का निर्माण होता है? तो ये होता है दो भ्रंशों के बीच में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गिरी पुत्रिका कल्याण पथकम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाष्पीकरण किसका परिणाम है? तो ये है ऊष्मा की वृद्धि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, AIFF 2017 का वार्षिक खिलाड़ी किसे नामित किया गया? तो ये सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन था, ताजमहल का रंग पीला पड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आकार के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों का सही क्रम? तो ये हो जाएगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अजमत अली खान किससे जुड़े हैं? तो ये सरोद से, वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई प्रथम प्राइवेट ट्रेन? तो ये है तेजस एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो यह सचिन तेंदुलकर की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 1870 ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। भारत के किस राज्य ने पहली बार पुलिस के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद के भजन रचनाएं हैं? तो ये हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखा, ऑप्शन एक डी दिया था जिसमें दिया था कई लेखकों की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? तो यह है 8। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल? तो यह है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति को मान्यता दी है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रहा 25 क्वेश्चंस जो ITBP कांस्टेबल ट्रांसपोर्ट का था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।